बीटीसी स्टाफ नर्स ट्यूटर 2020 की काउंसलिंग की डेट आ गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जाने कब होगी बीटीसी ट्यूटर की काउंसलिंग, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सरकार दिखा रही है तेजी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश कुमार है और एसटीजी न्यूज चैनल देखना शुरू कर दिए हैं। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर की मेगा सूची को दुरुस्त कर ली गई है, माह के अंत तक होगी काउंसलिंग, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप इस पेपर के कटिंग में देख सकते, नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर की मेगा सूची को दुरुस्त कर ली गई, यानी ठीक कर ली गई, माह के अंत में होगी काउंसलिंग, जैसे कि यह खबर निकल के सामने आ रही है। संवाददाता पटना की तरफ से खबर निकल के सामने आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें पूरी मैं बात को आपका सिलसिलेवार ढंग से बताने वाला हूं। नर्सिंग कॉलेज के ट्यूटर पद की नियुक्ति की काउंसलिंग के लिए बनी मेगा सूची को दुरुस्त कर ली गई है। इस माह के अंत तक इसकी काउंसलिंग होगी। पिछले माह में इसकी काउंसलिंग होने वाली थी, लेकिन शुरू होने के तिथि के एक दिन पहले ही काउंसलिंग में बुलाने के लिए तैयार मेगा सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आ गया। लिहाजा आयोग ने तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग को स्थगित कर दिया और मामले की जांच की थी। अब मेगा सूची को दुरुस्त कर लिया गया है और लिहाजा 28 जून को, आप ध्यान रखिएगा, 28 जून को सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की काउंसलिंग की पूरी होने के बाद इस माह के अंत तक ट्यूटर पद की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 जून तक चलने वाली थी, लेकिन अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जैसा कि खबर निकल के सामने आ रही है, नर्सिंग कॉलेज के ट्यूटर पद के नियुक्ति के लिए बीएनआरसी की डिग्री होना जरूरी है। ये बहुत बड़ी समस्या है, आप ध्यान रख लीजिएगा, बिना बीएनआरसी का नहीं होगा। लगभग 3000 आवेदकों में से प्रथम 500 विद्यार्थियों को मेगा सूची को तैयार करने में भी बीएनआरसी के अंक प्रतिशत के आधार का काम लिया था, लेकिन समस्या बीएनआरसी नर्सिंग पाठ्यक्रम में एक रूपता की कमी हुई। देश में किसी राज्य में नर्सिंग कॉलेज के में यह पाठ्यक्रम 2 वर्ष का है तो कहीं 3 वर्षों का है। अब एनआईसी में 2 वर्ष के एक रूप फॉर्मेट तैयार किया गया था, इसमें से उनके 3 वर्ष के मार्क्स में कोई उपयोग नहीं हो सका। इस मार्क्स को प्रतिशत कम होने के कारण इसमें से कई मेगा सूची में प्रथम 500 अभ्यर्थियों में ही नहीं आ सके। ये बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आप टेंशन ना लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बीटीसी स्टाफ नर्स के ट्यूटर के काउंसलिंग के डेट आ गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे न्यूज पेपर की ऑन से आपको प्रूफ दिखा रहे हैं कि आप इसको देखिए और आप अंदाजा लगा लीजिए। तो आज के न्यूज में यही है, वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए।